dear students in this module we are going to discuss the blended families blended families are the families in which two families merge into one through remarriage or cohabitation and it is becoming more and more common particularly in the western societies जब हम मैरिज की बात करते हैं मैरिज डिसोल्यूशन की बात करते हैं डिवोर्स की बात करते हैं तो इसके साथ-साथ जो है हमें यह देखना चाहिए कि कैसे जो री मैरिज है वो डिफरेंट फैमिली पैटर्नस को डिटर्मिन करती है और ये डिफरेंट फैमिली पैटर्नस जो हैं जो कि मैरिज की वजह से या री मैरिज की वजह से मुआरज वजूद में आते हैं इन फैमिली पैटर्नस का जो है ओवरऑल बच्चों के और दूसरे फैमिली मेम्बर्स के ऊपर जो है क्या असरात मुरतब होते हैं तो जब री मैरिज होती है तो ज़रूरी नहीं है कि री मैरिज के अंदर एक पार्टनर या दूसरा पार्टनर जो है वो बच्चों के बगैर हो बल्कि हो सकता है कि किसी एक या दूसरे दोनों पार्टनर्स के जो हैं पहली शादी से बच्चे हों और वो बच्चे जो हैं जब दोबारा शादी होती है तो फिर वो मिलके एक ब्लेंडेड फैमिली बनाते हैं सो इन सम केसेस ब्लेंडेड फैमिलीज़ में ब्रिंग टुगेदर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट प्रीवियस मैरिज़ एज वेल एज़ न्यू चिल्ड्रन फ्रॉम द करंट पार्टनरशिप तो इस तरह के जो ख़ानदान होते हैं उनके अंदर मसाइल भी जो हैं वो बहुत यूनिक होते हैं चूँकि दोनों तरफ से मौजूद या किसी एक तरफ़ से मौजूद जो पहले बच्चे होते हैं उनके लिए नए खानदान को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है तो कुछ साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो इमर्ज होती हैं जिनको अंडरस्टैंड करना भी जो है एक सोशल साइंटिस्ट का काम है तो दीज़ फैमिलीज़ में फेस यूनिक चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ नेविगेटिंग द कॉम्प्लैक्स फैमिली रिलेशनशिप्स एंड इस्टेबलिशिंग न्यू हाउस होल्ड रूटीनज एंड स्ट्रक्चर्स पाकिस्तान के अंदर चूंकि डाइवर्स रेट जो है वो अब रीसेंट पास में हाई हो रहा है तो इस डायवर्स रेट की वजह से जो री मैरिजिज़ हैं उनका ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है और इसको देखने की ज़रूरत है ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि कैसे ये जो री मैरिजेस हैं इनके जो ट्रेंड्स और पैटर्नस हैं ख़ास तौर पे जो उनके फैमिलीज़ के अंदर मौजूद जो बच्चे हैं उनकी सोशलाइजेशन के ऊपर उनकी जो सोशल लाइफ है उनकी जो साइकोलॉजिकल वेलबींग well है उसके ऊपर जो ये ब्लेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर है ये क्या असरा मुरतब करता है ख़ास तौर पे जब हम अर्बन एरियाज़ के अंदर रहने वाली फैमिलीज़ की बात करते हैं तो ये जो ब्लेंडेडनेस होती है इसके अंदर चूँकि वो बाकी फैमिलीज़ से कटे हुए होते हैं इन आइसोलेशन होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम मौजूद नहीं होता तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के अंदर रहते हुए उनको अपने इन मसाइल से नबरदाजमा होना पड़ता है इसमें जो मेजर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि शायद इस तरह की जो फैमिलीज़ हैं वो सोशल स्टिग्मा महसूस करें लोग जो हैं वो उनको तरह तरह के कमेंट्स दें लेबल करें और इसको नेगेटिवली परसीव किया जाए और दे मे फाइंड स्ट्रगल इन एक्सेप्ट इन सम्यूनिटीज़ पर्टिकुलरली इन मोर कन्ज़रवेटिव और ट्रडिशनल एरियाज़ तो इस तरह की फैमिलीज़ को जो है अभी तक माशरों में ख़ासतौर पर ट्रडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर उस तरह की एक्सेप्टेंस हासिल नहीं है तो एज़ अ सोशल सैंटिस्ट या सोशॉलोजिस्ट हमें ये देखने की ज़रूरत है कि वो किस तरह के ऐसे मसाइल से गुजरते हैं और इन मसाइल को कॉप करने के लिए वो क्या स्ट्रैटीज़ अडोप्ट करते हैं जैसे कि हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि एक स्ट्रेटजी तो ये होती है कि वो अपना रेजिडेंशियल पैटर्न जो है उसको चेंज कर लेते हैं और वो उनकी कोशिश होती है वो तो कि किसी ऐसी अनानिमस स्पेस के अंदर जा के रहना शुरू कर दें जहाँ पे पहले से जानने वाले लोग उनको मौजूद नहीं हैं इसी तरह से उनकी ये कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों के बारे में ज़्यादातर लोगों से जो है वो ये बात इस तरह से ना करें ताकि लोगों को ये अंदाज़ा ना हो सके कि क्या ये एक ब्लैंड फैमिली है या ऑलरेडी जो है ये एक नॉर्मल फैमिली यूनिट की तरह जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं फिर जो आ, एक और स्ट्रेटजी जो अडॉप्ट की जाती है वो बच्चों की तरबियत के हवाले से होती है कि ब्लैंड फैमिलीज़ के अंदर दोनों पार्टनर्स की ये कोशिश होती है कि अपने बच्चों को रियलाइज़ करवाए बगैर के अगर वो बहुत छोटे बच्चे हैं तो रियलाइज़ करवाए बगैर जो है उनकी परवरिश की जाए और फूड फॉर थाट फॉर यू कि आप अगर अपने इर्द गिर्द कोई ऐसी ब्लैंड फैमिली को देखें तो आप ऑब्ज़र्व करें कि उनके पैटर्नस क्या हैं उनके सोशलाइजेशन पैटर्नस क्या हैं और किस तरह से वो अपने इस टिगमटाइजेशन को जो कि माशरे की तरफ से उनको फ़ेस करनी पड़ती है उसको किस तरह से कॉप करते हैं